नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल इंदौरा। इस वक्त मैं गांव ढोकड़ा के अंदर मौजूद हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव ढोकड़ा के अंदर 3300 वोट हैं और उनमें से 2800 वोटों की पोलिंग हुई थी, जिसके अंदर पीछे उपचुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला केवल और केवल 7 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी वक्त मैं विधानसभा के गाँव ढोकड़ा में मौजूद हूँ। आपको पता है कि विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं। चलिए जानते हैं गांव ढोकड़ा के ग्रामीणों से कि अब की बार एलनाबाद का विधायक वो किसको चुनते हैं। क्या नाम है जी? राजवीर। ढोकड़ा। अच्छा, क्या लगा अब की बार विधानसभा एलनाबाद? अब की बार अभय सिंह जीता। अच्छा, पक्को जीता मैं तो ही जीता है। सर, कारण कह रहे हैं? कारण तो काम करा है। बैठे बोला विधानसभा में जागे ब्रेक है, कोई डर फिक्र नहीं पर काम हुआ है। तो आगे भरसिंह बैनी वाला कांग्रेस का? हाँ, भरसिंह बैनी वाला जी, कोई हो, जीत पक्की है जी। क्या नाम है जी? रामेश्वर सियाग। कौन सा काम है? ढोकड़ा। अच्छा, केला का विधानसभा इलाहाबाद की बार अभय सिंह जीता है, सदा ये ही जीतेगा। अच्छा, कारण की है बार बार जीतना? कारण काम करावा है, हल्का की संभाल रखा है। पिछले 5 साल में बीजेपी काम करवाया है? ना, कोई काम खास कौन कराया। धारगाम में न्यू कहते हैं काम करवाए, कितना खाद भी दे दिया और के दे दिया कि कौन दिया? क्यों निराश हो गए बीजेपी है? निराश हो बीजेपी? बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? कारण के काम करावा है। ओ जाओ बो जाओ, घर में एक आदमी है, वो सारा दिन कागज चक्के फिर ई दिशा केंद्र में बैठे रहे, ना कोई खेत को काम हुआ ना कोई घर गो है। एक आदमी वो कागज चके फिर वो ग्रो लिया और बोल लिया और प्लान लिया और दिक्कत लिया। तो अब की बार केला का है? अब की बार वो ही जीता है, वो कम से कम 20,000 वोटों अभय सिंह चौटाला। तो टक्कर मन हो या एक तरफ? हाँ, कोई टक्कर कौन। सरगम में कितना वोटों जीतवा होगा? मारा गांव में 300-350 वोटों जीते, एक रात बिता जीत जाएगा। पीछे कितना वोटों? पीछे 7 ही वोटों जीते हो। ठीक है जी। कौन सा काम है? वही। अच्छा, केला गया है एलनाबाद विधानसभा? ठीक है। कौन जीता है? छोटा लो। तो बीजेपी के बात है? बीजेपी है, बीजेपी रद्दी है। क्यों तो थरगा में जिक्र करा आदमी बोलो, काम बहुत करा है बीजेपी। ठीक है, ठीक। और रोड है देखो, माटी गिरा के दर्द हो रही है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहन है भैया। कौन सा काम है? एलनाबाद में भाई साहब कुछ ही कौन कैसे काम करा? क्यों? बीजेपी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग आज यार, तो बहुत जबरदस्त फाइट हो यार। ये स्ट्रॉन्ग ही बात करो यार, थरगाम में न्यू कैंडिडेट बोले हो गए, देश जाना है अमेरिकन में इन्हें। हाँ जाना है, यहाँ बात थोड़ी है भी कोई जाने को नहीं। बाकी कमल के फूल ने जाने लहरा वोट पे भी कमल के फूल ना आया भैया। अच्छा, कहीं लगा आपकी बार एलनाबाद विधानसभा? अब कह रहे भैया की कौन कैसे कहाँ देता अंदाजो भाई, फाइट हो गई बहुत। तब कहीं कहीं तीन मांगी त्रिकोण मुकाबला? हाँ, त्रिकोण मुकाबला है। मजबूत कौन सा निकल सकते अंदाजो? मजबूत को तो अब कोई अच्छे तो कोई बेरो ही कौन पटा यार है। अच्छा, के बेरो पटा है? तो पिछले 5 साल में बीजेपी काम करवाएगी बहुत जोर का, मारा का मुंह 76 छोरा लग गया। अच्छा मान लो सोलर सालर मिल गया लोगों ने, अच्छा मान लो गम में बहुत जोर को काम हुए, गलियां गलियां और सारों की बहुत जोर को काम हुए। नौकरी फड़ीड़ा टबरे बंद नौकरी मिलनी भी देनी है। टोटर मल है? टोटर मल। कौन सा काम है? गांव लाख हसरे ढोकड़ो ही है। सही काम बताओ किसी ढोकड़ो। अच्छा, केला का आपके बारे में बात बता सको? अरे मान वो शाम शाम बर्तो जीते को अरे गांव में जीत के निकले को जीते को बोटम जीते को और ले मोर मारा बड़े बिल्लू है आगे। बिल्लू की अब चार चार पारी हो शास्त्र लगाओ इन अब जमींदार दादा शास्त्र लगाने लग गया। आ बात होगी बीजेपी का नहीं है तो जाने है कोई कौन जाने अठे जाने सकनू कौन देख रो के सर है तो बीजेपी पिछले 5 साल में काम करवाएगी? काम तो बापरी कराएगी यार। हाँ बात है, काम कौन काम कौन कराया? काम तो सरकार ने कर दिया। हाँ जी, क्या नाम है? धर्मपाल। कौन सा काम है? ढोकड़ा। क्या लगा आपकी बार एलनाबाद? एलनाबाद भरत सिंह बनीवाल।
बतला लिया के दोनों बतला लिया को नहीं क्लियर है क्लियर है भारत सरकार जोर मारी दी थी को नहीं हारी तारे की देश को प्रधानमंत्री वोट मांगने आ गए गड्ढा है काम कराया है पुराना वर्षिंग गिरी मजबूत कैंडिडेट कौन सा निकला अभी सिंह पिछले पांच साल में बीच में काम कराया थोड़ा बहुत काम तो कराया ही या चुटपुट काम चलता ही रहेगा ये गांव का जोड़ा दिखाई लूं इतना गंदा है आपका हाल देख आप आंखों देखे ये आपके सामने इतना कचरा खड़े इतना है तो राजेंद्र सरपंच अभी काम मत कराया ये भी नहीं कराया बस अड्डे की बारी गिरा देता है अड्डे पर काम करता है बस क्या नाम है रामलाल रुकड़ो केला का इलाहाबाद विधानसभा अरे तो बिल्लू को और कांडे को बीजेपी सा संगठन हो रही है बिल्लू जी कांडे को कितना फायदा मिलेगा गठबंधन को बढ़िया मिलेगा फायदा निरी मलाई मिलेगी तरकने मतलब गठबंधन ना कर तो ना को लगा फिर तो मुश्किल है भाई फिर तो मुश्किल है गठबंधन बढ़िया है सिस्टम बिल्लू को 12-25 है मिली भाई जी को तो कोई चक्कर कहीं नहीं लगा कांग्रेस गिरेंगी रे कि यार वो तो बीजेपी यार तो कैंडिडेट अच्छा पिछले पांच साल में बीजेपी काम क्यों है अरे कामड़ा कुंडा तो कराया काम हो गया कैंडिडेट देख लीजिए कैंडिडेट में क्यों ठीक है जाने ही कोई कोई पिछले था बिल्लू ने जिताने की खातिर बिल्लू जिताने की खातिर सिस्टम हो है पक्को बिल्लू जीता पक्को और प्रसाद बांट दो जी और काचा नारियल चढ़ा दियो 10-11 बस ये बोल रहा था 11 अरे मैं तो बहुत ही रखे भाई मैं तो गयो काले बिल्लू बने गयो मेरी बात हुई रात गयो मैं तो बिल्लू भाई देखो बीजेपी को कैंडिडेट कौन जाने अरे कैंडिडेट सर का मेन्यू कहने लारे लोग बोलियो देश जाने बने की कौन जाने देश दार कोई की कौन जाने छोड़ दे अपने ले जा बिल्लू जीते को ठीक है सुरेंद्र रुकड़ो के लगा इलाहाबाद ये अभी सिंह में लगे एक तरफ और एक तरफ कोई टक्कर को नहीं टक्कर ने तो बाय इलेक्शन में जीते तो अब तो मान ले बिया है कोई नहीं अब किंग का टक्कर लगा है ना टक्कर कांग्रेस आ गई होगी मजबूत करने जेट क्या नाम है नाम तो भूप सिंह है कौन सभा में गांव डोगड़ा क्या लगा है इसकी बार इलाहाबाद विधानसभा इलाहाबाद विधानसभा में तो टक्कर है ये किंग किंग कांग्रेस गिरी बिल्लू की मजबूत कौन सा रहा मजबूत तो बिल्लू रहने ही इसका होना है ये 25 साल से इसकी चल रही है तो ते सारा जिक्र क्यों कौन करो एक वो मैं तो आ रहे हैं बीजेपी का नहीं हूं मैं तो जाना को नहीं है अरे दादा तई जाना फिर गम मत नहीं का देश जाना का मैं के रो मैं बार के लिए तो मैं के दे देखियो को नहीं मैं तो जाना को नहीं तो अब भैया कठगो वो कठगो रहना रहा है कठगो वहां से भी वो मैं तो कौन दिन देखियो को नहीं बाकी मैं बीजेपी इंडिया लगे तो दो ऊपर करो दस योजना में यहां ऊपर करो हां पर मैं तेरे को जाना पर कैंडिडेट दिखा रहे खुली है बोल लो देखो ओ मिन्नू आजार तो टक्कर ले यार तकड़ी तो कितना प्रभाव पड़े है मिन्नू टिकट कटी मिन्नू टिकट कटे तो बीजेपी का बहुत असर पड़ी है परिवार मेरा रिंकू वही है अच्छा केला का इलाहाबाद विधानसभा की बार चुनाव नजदीक चुनाव बढ़िया एकदम केला का बिल्लू जीता था एक तरफ आ गया आगे कोई टक्कर है एक तरफ आ देखो वो नहीं बाकी जी टक्कर कहीं सामान टक्कर तो भरत सिंह है तो बीजेपी का नहीं अमित शाह में था कोई सांस पिछले पांच साल हम थरगम में बीजेपी काम कर रहे हैं
काम तो के होए है कि पीछे बैठे बेनू का काम बहुत कराए ये काम कराई बैठे कोई काम नहीं काम दे लुकी हो रहे है गलियां मनेडिया बिल्लू यूं बैठी काम घूम के गाने तो पीछे उपचुनाव में बिल्लू थारे साथ वोटों देते थारे अब की बार के लगा है अब क्या जीत जो बात की है बाकी नाम है कलू संतोष बा देखे मंदिर त्यार है पर तो देखे मंदिर त्यार है एक ने मिलेगी दो तो एक ही है आगरी सिंह अच्छा एक दूसरा पर खिंचा देते जीतने फिर कटा वोट है 45,000 सीट के ऊपर एक लाख बस हर गिड़ा ही नहीं गिरा मठी गिरा और उठी गिरा तो मुकाबलो के मन होते मुकाबलो भर तो ही आओ मुकाबले जीत हो बिल्लू की कितने वोटों की जीत है जीते हो कल जो गठबंधन है कितना फायदा मिला हुआ कद होगी वो किन सक होगी वो बिलभर सिंह जी बाकी तो आगे है कप्तान मेनू की टिकट काट के मिर्चन में तन दिया कितना फर्क पड़ो राजनीति ओ सारों बड़ो घटो है जी बीजेपी के लिए क्यों तो अमित सिंह में तन जाने कौन है जी मारी आप ही खुद ही शक्ल कौन देखेड़ी मेनू तो रोज की मारा ठान तोरे तो बन देखेड़ा तो है अब के मुकाबले मानो दी अब तो भरत सिंह जी को और बिल्लू जी को मुकाबलो है जी और के मुकाबलो कौन मजबूत कैंडिडेट कौन सा जानो मजबूत तो अभय सिंह जी है ठीक है बाकी भरत सिंह जी को ही वोट बैंक अच्छा है जीत है इलाहाबाद में बिल्लू जीता वो बतला लिया सारा बतला को लिया टक्कर में भरतोर दोनों टक्कर में मान लेते बिल्लू जीतो जी कितने वोट जीत गया मेन कैंडिडेट कौन है जी अरे कैंडिडेट और है कोनी दो ही है भरतो या बिल्लू ये यार वो बीजेपी को कैंडिडेट हल्को कर मानो है जनो ए मानना मैं बीजेपी जाना ही कोनी है मिन्नू दे दिया टक्कर में आवा रे अच्छे के बाद था वो अगर बीजेपी कप्तान मिन्नू बनीवाल ने टिकट दिया तो के रहा पक्को बाइक है ए तो बीजेपी हो तो टक्कर ले यार एक मतलब भी लोग कैंडिडेट देखा है पार्टी कौन देखे ही लोग नहीं कई कल फूल ने देखे वोट फूल ने वोट देखो नहीं आपने पहली की मान लो आई शैलजा आई जद फूल ने देखे वोट दिया अब बताओ विरोधी है जदी सरकार बीजेपी की बनाई हां बात है शत्रुघ्न स्वागत है पूछने कवरेज करने आया हो बहुत बहुत शुभकामना थाने स्वागत है अब बताओ केला का इलाहाबाद का चुनाव नजदीक आगे विधानसभा इलाहाबाद अभय सिंह चौटाला की जीत है जी अच्छा हालांकि मैं पवन बहने वालों मित्र हूँ मैं तो जठे पवन भाई साहब कहगा बड़ी वोट देना है लेकिन जो हकीकत है आई है अभय सिंह चौटालो जीत सिंह एन को नकार को सका जब मारे पवन भाई साहब खड़ा जब इतना टफ मुकाबलो कह अमित शाह जी आ गया मोदी जी आ गया मतलब सारो तंत्र मंत्र जी को ऊपर सेंटर तक को उठा के एक हल्के में मतलब आ गयो तो एक बाई चांस होगा पवन बेनीवाल ही हरास का अब तो कोई हराना वरा है ही को नहीं 50,000 पल्स वोट तो अभय सिंह चौटाला का कठई जी मंगनी ना जाओ अब क्या मुकाबला लगा था इलाहाबाद में मुकाबलो भरत सिंह सागे है लेकिन वो नाम जीत अभय सिंह के जैसे मुकाबला के माना अभय सिंह जीत प्लस 10,000 वोट है बीजेपी को कैंडिडेट भी आ रहे हैं बीजेपी को कैंडिडेट है जी लेकिन बोटड़ा बीजेपी के भी आवागा ऐसी बात हूँ पार्टी का नाम का आवागा अमित सिंह मेहता का नाम को जाना है क्यों अमित सिंह मेहता ने को जाने को पहले पुराने टाइम में कोई टिकट मिले कोई छोटे मोटो
हमला नहीं कोई कांडा रहा ने कोई ध्यान नहीं टिकट दिए बीजेपी वाला फिर मतलब दिल्ली थोड़ी मुश्किल हो जाए जी यार लेकिन मुश्किल पैदा कर दे यार बहुत ज्यादा बाकी वो अभय सिंह जी तय सिंह कोई कुछ शाम दाम दम बैठ कुछ की कर ली हो हालांकि मेरे तो पता को नहीं आप कोई पार्टी वाली बात कोई नहीं किन्ने वोट दें किन्ने नहीं दें आप तो पवन भाई साहब का बड़े दिनों है लेकिन जीत मौके की अभय सिंह है।